ब्रेन टीजर का आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट पार्ट इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 5। हमने करी सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। 5 वन जा 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर वेरिएबल को हम LHS में ले आए प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5। आगे तो ये हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है दोनों साइड्स LHS RHS में अगर पावर सेम होती है तो हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो दोनों साइड पावर या एक्सपोनेंट जो है वो 2 है तो हमने बेस को कंपेयर करा तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आई 3 पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। 3z स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 4 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। न्यूमरेटर में हमने 1 पुट कर लिया और करी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस जेड स्क्वायर से और 1 की 3z स्क्वायर प्लस 7 से। 4 2 जा 8 प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। 2z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 8 और माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। जेड स्क्वायर 1 जो होता है 1 का ही स्क्वायर होता है। तो दोनों साइड पावर सेम है तो हमने बेस को कंपेयर किया तो जेड आया हमारे पास 1।